अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मतलब फिर से आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम खुश आमदीद और जी नो करता हूँ। तो आज मैं मौजूद हूँ चाइना चौक गुलशन इकबाल पार्क सियालकोट पे। हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही कमाल का क्यूसीन, जिसमें आता है बारबेक्यू और साथ में कढ़ाइयाँ और साथ में जो है ना वो रेगुलर आइटम सालन वगैरह और चिकन दाबू भी। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे और आपने शेयर करना बिल्कुल नहीं बोलना। तो अभी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं बाना रेस्टोरेंट, बाना होटल जो कि फैमिली रेस्टोरेंट भी है और बहुत ही अखीर किस्म का जो है ना वो यहाँ पर सेटअप मौजूद है। आप ये चेक कर सकते हैं बाना होटल का जो स्टार्टअप है वो बहुत ही लेवल किस्म का है। बाना रेस्टोरेंट जो कि फैमिली रेस्टोरेंट है, बेसिकली यहाँ पर जो है ना वो बहुत ही अखीर किस्म का बारबेक्यू लगाया जाता है और आपको सर्व किया जाता है। आप ये चेक करें कि इट डिपेंड्स ऑन वर्क, आज जो है ना वीकेंड है और वीकेंड के हिसाब से जो है ना वो लोग टेक वे करवा रहे हैं। जो है ना वो चिकन दाबू को रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक करें कितना अखीर किस्म का जो है ना वो चिकन दाबू मौजूद है और साथ में ये रोस्टेड किस्म करके चल गए। यार ये क्या फ्लफी किस्म का चल रहा है, वाह क्या बात है, बहुत आला। फिर बात की जाए बाना होटल की दाल की, तो ये भी स्पेशल है धनिया की छाप के साथ और स्पेशल किस्म की जो है ना वो हरी मिर्च का तड़का जब इसको लगता है ना दाल को तो ये निकलती है। वाओ ये चेक करें क्या बेहतरीन कलर है इसका, हुई 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 हुई। बहुत ही कमाल की पैक चेक कर रहे हैं भाई जान, वाओ अमेजिंग सर्विंग है यार इसकी। बात करें आज की सब्जी की और आज के मेन्यू की, तो इनके पास मौजूद है बहुत ही अखीर किस्म का कड़ी पकौड़ा, साथ में सब्जी ऑफ द डे, उसके अलावा दाल, दाल माश, चिकन कोरमा और बहुत ही अखीर किस्म के यहाँ पर चने मौजूद है जो कि सुबह नाश्ते के वक्त ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगर तो आपने एक उम्दा किस्म का फूड ट्राई करना है तो सियालकोट में आपको आना पड़ेगा बाना होटल पे। तो इनकी जो है ना वो मेरा ख्याल दो से तीन ब्रांचेज है सियालकोट में, अभी वो भी हम आपको बताते हैं कहाँ पे है। भाई उस तरफ जो है ना वो बारबेक्यू लगा रहे हैं, ओवरऑल जो है ना वो 360 में इनका सेटअप है और एक बहुत ही अखीर किस्म का सेक्शन जिसको मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता वो है चाप का सेक्शन। यहाँ पे मौजूद है आपको मिलेगी चिकन चाप, बीफ की चाप और बीफ कीमा। बाना होटल की जो एक अहम बात है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्यूजीन में कढ़ाइयाँ भी मिलेंगी, चिकन मटन बीफ सारी कढ़ाइयाँ, और आपको जो बारबेक्यू मिलेगा उसकी क्या बात है। ठीक है जो है ना वो रेशमी कबाब, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, चिकन बोटी, उसके अलावा जितनी भी जो है ना वो पीसेस, लेग पीस, चेस्ट पीस, थाई, उसके हर चीज़ जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है आपको बहुत ही कमाल के जो है ना वो मुनासिब रेट्स में और बहुत ही अच्छे सॉर्ट किए हुए मसाला जात के साथ। ओए होए 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 अगर बात की जाए इनके तंदूर सेक्शन की, तो यहाँ पर मिलेंगी आपको गर्मा गर्म कस्टमाइज किस्म की रोटियाँ जो कि भाईजान लगा रहे हैं और इनकी टीम ये भी बहुत हैवी वर्क करती है और लगाने में मसरूफ़ है। अच्छा मज़े की बात यह है कि अगर आप जो है ना वो देखें कि रोटियाँ लगाने में इनके माशाल्लाह से जो है ना ऑनर वो भी बिजी है, वो भी साथ में जो है ना वो मिल के काम करवा रहे हैं। तो ये चेक करें क्या खूबसूरत किस्म की माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की क्लासिक रोटियाँ लगाई जा रही हैं। अच्छा अगर बात की जाए बाना रेस्टोरेंट की सीटिंग की, तो यहाँ पर आपको मिलेगी बहुत ही लैविश किस्म की सीटिंग जिसमें जो है ना वो आप बैठ के अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं बाना रेस्टोरेंट कढ़ाई टिक्का शॉप, इसका मतलब ये है कि ये कढ़ाइयाँ बनाते हैं, टिक्के भी बनाते हैं और शॉप तो है ही। बाना रेस्टोरेंट की जो एक अखीर चीज़ है वो बलू बीफ पुलाव और दाल चावल भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे इफ्तिखार साहब? हम कम से कम कोई एक माह हो गया यहाँ पे आते हुए। अच्छा एक माह से आप रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं? रेगुलर आ रहे हैं और सामने हमारा फेस्टिवल है, हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको अरेंज किया हुआ है सियालकोट की लोगों के लिए, आवाम के लिए, और जिस तरह इस वक्त नफसा नफसी का दौर है उनको इंटरटेनमेंट फ्राहम कर रहे हैं। अच्छा आप जो है ना वो गुलशन इकबाल पार्क सियालकोट जो चाइना चौक में मौजूद है वहाँ पर आप जो है ना वो एक मतलब अरेंज कर रहे हैं फूड फेस्टिवल, जश्न बहारा। जश्न बहारा, जश्न बहारा, वेख मेरा सियालकोट, जश्न बहारा फैमिली फेस्टिवल। लो जी वेख मेरा सियालकोट, जिन्हें देखना है तो एक बार जरूर आवे, आके इन्होंने फेस्टिवल भी देखे नाले बाना होटल के उतो। अच्छा जहाँ पे आपने क्या टेस्ट किया सर उसका रिव्यू चाहिए होगा हमें आपसे। हमें इनकी जो मास की दाल है वो बड़ी पसंद आई है। अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है उसके अलावा इनके जो बाकी लवाजमात है जो इन्होंने खाने हैं
जैसे कढ़ाई इनकी बहुत अच्छी है, बारबेक्यू भी है, बारबेक्यू इनका बहुत अच्छा है, चिकन दाबू भी है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, रेट भी इनके मुनासिब है, रेट भी मुनासिब। अच्छा सर, हालांकि इस पूरे सियालकोट में रेट जो है वो काफी खाने के महंगे, कॉस्टली है, बिल्कुल कॉस्टली है, ऐसा ही है। और ये बाना ऐसा होटल है जहाँ पे हर मजदूर भी खा सकते है, दरमियाना सबका भी खा सकते हैं, अगर कोई अमीर खाना चाहे तो वो भी खा सकता है। सर इफ्तिखार साहब, लास्ट में आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ना फूड को रेटिंग करनी है, 10 जो है ना वो ग्रेट है ओवरऑल फूड को, 0 जो है ना वर्स्ट है, खराब है, दरमियान में किसी जगह भी नंबर दे देंगे, क्या नंबर देंगे आप फूड को, क्या देंगे अपने? देखिए जी, इस वक्त जहाँ हमने खाना खाया है वो तो हमें अच्छा लगा है, तो इसके जो पॉइंट है ना मेरे ख्याल से 8 पॉइंट होने चाहिए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि आपका जो है वो डिनर भी खत्म हो गया और आपका टाइम भी काफी ले लिया। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। तो आपने जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चश्मे बहारा देखने के लिए देख मेरा सियालकोट, जो कि 14-18 फरवरी को बकायदा इसका इफ्तिताह है, ठीक है। लाहौर से हमने काफी फनकार बुलाए हुए हैं, आर्टिस्ट हैं यहाँ माशाल्लाह, और यहाँ पे लोगों को फ्री एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है जी। बहुत ही कमाल का जो है ना वो हमारे लिए डिनर आ चुका है, जिसमें हमारे पास सैलेड है और बहुत ही लेवरेज किस्म का बारबेक्यू है। आप ये चेक करें, मलाई बोटी अखीर किस्म की जो है ना, और वो बारबेक्यू बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का। ओए होए होए होए, क्या बात है, बहुत आला। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। फ्रेंड की जो है ना वो अखीर किस्म की यहाँ पर आ चुकी है, मलाई बोटी और साथ में जो है ना इनकी टिक्का बोटी। आप ये चेक करें कि कितनी कमाल की है माशाल्लाह से। अभी हम इसको टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इस स्पेशल किस्म की चटनी के साथ। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मलाई बोटी ना यार बड़ी स्पेशल किस्म की लग रही है, आप ये चेक करें। ओए होए 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 यार, इतनी हॉट, ओए होए, क्या अखीर किस्म की मलाई बोटी है। हाँ, ये चेक करें आप, एक कलर चेक करें जस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अभी हम इसको वैसे टेस्ट कर लेते हैं। चिकन के अंदर ना खुल गया है टेस्ट, मसाला जात जो है ना वो ऐसे अंदर जैसे ना जज्ब हो गया है, वो वाला बात है यार। अखीर टेस्ट है, बहुत ही कमाल का टेस्ट है, और माशाल्लाह से जैसा ये कलर दिख रहा है ना बाहर से, सेम वो है ना अंदर से वैसे ही पका हुआ है। अच्छा है, बहुत ही कमाल का है माशाल्लाह। अच्छा मैं ना इसको रेटिंग कर देता हूँ पूरा फूड को। फूड में मलाई बोटी और चिकन टिक्का मेरे तरफ से 10 out of 10 है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं देख रहा था कि आप वहाँ पर जो है ना वो रोटियाँ लगा रहे थे, वहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व थे जुल्फकार साहब, तो ये क्या क्या काम आप जो है ना वो कर लेते हैं अपने रेस्टोरेंट के ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो रेस्टोरेंट का काम है ना, पाकिस्तानी फूड तो मुकम्मल तौर पर जानता हूँ, यहाँ तक भी मैं स्पीड का काम भी मुकम्मल जानता हूँ। अच्छा जी, और मेरा तकरीबन 40 साल का तजर्बा है इसी काम के अंदर माशाल्लाह। मैं अंदरूनी और बरूनी मुल्क के अंदर भी काम कर चुका हूँ, बड़ी बात और है। मेरा शौक था कि ये मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊं। सर और... बाना रेस्टोरेंट जो नाम है इसका, इसके पीछे क्या कहानी है? बाना मतलब एक यूनिक सा नाम है। सर ये बाना जो नाम है ना, ये मेरा बहुत प्यारा नाम है, मेरे वाले साहब का नाम है बाना। अच्छा अच्छा, नाम तो उनका बेसिकली जो है ना गुलाम रबानी जी, कागजी कार्रवाई में, और उसको प्यार से जो है ना उसके वाले साहब ने, वालदा ने बोला कि बाना बाना। तो ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पर जो है ना वो कढ़ाइयाँ भी हैं, बारबेक्यू भी है, जो मसाला जात पे ऐड करते हैं वो स्पेशल होते हैं, या कोई हिडन रेसिपी है, कोई आपके जो है ना वो शेफ स्पेशल है? क्योंकि टेस्ट जो है मैंने अभी आपका किया वो बारबेक्यू अखीर है, अच्छा था सर, मुझे थोड़ा बता दें इस बारे में। सर जो मसाले जात की आपने बात की है ना, तो मसाले जा तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद मार्केट से खरीद के उसको मशीन से पसवा के खुद इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। अगर कुछ मसाले ऐसे हैं तो खुद नहीं तैयार कर सकते, वो मैं शान वालों के सामने अपने पैकेट रखा हुआ है वो यूज करता हूँ। दूसरी बात ये आपने पूछी है कारीगरों के बारे में भी, कढ़ाई आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना है, तो ये जितने शेफ है ना मेरे, खुद आपने हाथ के ट्रेन किए हुए, मैंने बाहर से ये काम सीखा है, बारबेक्यू टुनाइट सैदा रेस्टोरेंट दुबई से माशाल्लाह जी, वहाँ से मेरे उस्ताद मोहतरम अभी भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे,
उन लोगों ने मुझे हाथ सीधा किया है, उससे फिर मैंने ये स्टाफ का जो है ना हाथ सीधा, और खुशी करता हूँ इनके साथ मिलके काम करता हूँ और बहुत अच्छा और बहुत मजा आ रहा है मुझे। सर बाना रेस्टोरेंट की ब्रांचेस सियालकोट में कितनी है इसके अलावा? बाना रेस्टोरेंट की अभी फिलहाल सियालकोट के अंदर ही 4 ब्रांचें हैं, जिसमें से जो है ना एक जफरबार रोड पे है, और दूसरी जो है ना अडफंस रोड पे है, तीसरी जो है ना पसरूर रोड पे है, चौथी ब्रांच जो है ना डस्का रोड दुबरजी चौक के अंदर। अच्छा माशाल्लाह काफी आपका जो है ना वो बिजनेस एक्सप्लोर हुआ हुआ है, माशाल्लाह पाक इसमें और बरकतें ऐड करें डालें। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। कमाल के फूड टूर के बाद अब हम यहाँ से मूव ऑन करेंगे। मेरा ख्याल है कि आज की बारबेक्यू नाइट जो है ना वो अखीर किस्म की थी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।